बहुत अच्छा है यार, हमेशा से आता हूँ, जब भी आता हूँ बहुत अच्छा लगता है। जब पता लगता है कि यहाँ पे आते ही म्यूज़िक बज रहा है तो एक्साइटमेंट अपने आप बढ़ जाती है, एंड दे ऑल सो स्वीट और बहुत एनर्जी होती है। तो यार अभी बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। मैंने तो यही से पढ़ाई वढ़ाई किया, आई एम सुपर इंटेलिजेंट इंजीनियर बनते नहीं क्या बात है झूठी हूँ ना मैं। दिस इज माय फर्स्ट टाइम, आई थिंक सनी आया हुआ है मूड इंडिगो में। मैं 2-3 महीने पहले भी आया था। हाँ, और उससे पहले भी आया। आई हैव नेवर बीन हियर, मेरी पहला। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट मूड इंडिगो की जो एनर्जी होती है, सो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड कि अंदर जाके ऐसा क्या होगा, बिकॉज ऑलरेडी हम इतनी एनर्जी के साथ आए हैं, सरप्राइजेस होंगे, सरप्राइज हो, शॉक्स ना हो, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। एक्सपीरियंस वही है कि एवरीबडी इज़ वेरी स्वीट, बट आई थिंक एमसी चेंज होते रहते हैं तो बट इट्स गुड वाइब है, और ऑलवेज वेन यू यू गो टू द कॉलेज, इवन बॉम्बे, दिल्ली, एवरीवेयर, यू नो, यूथ इज कनेक्टेड एंड दे कनेक्टेड विद द मूवीज, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बेसिकली सनी ये बोलना चाहता है कि लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाती हैं, मैं किसी भी कॉलेज में। वो बताने की बात नहीं है, आपको लगता है कि नहीं लगता है, आपको क्या लगता है? बहुत मिस करता हूँ यार, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मुझे पता है कि मैं धक्का स्टार्ट करके पास होता था क्योंकि मैं पढ़ता ज़्यादा नहीं था, बट मैं एडमिशन में पढ़ लेता था। तो पता है कि मेरी सिस्टर मेरे मार्क्स वो देखती थी घर आके, वो रहती थी, तो वो सारी चीज़ें, घूमना फिरना, कैंटीन जाना, स्टेज शो पे पार्ट लेना, डांस पे पार्ट लेना, वो बहुत मिस करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बिकॉज आई थिंक हमें शूट करने के टाइम भी बहुत मज़ा आया था, एंड नाउ वी आर रियली एक्साइटेड कि देखो सब लोग जाके लाइक सी आवर फिल्म, एंड इट्स अ फील गुड फिल्म, सो यू नो वी रियली कनेक्टेड विद द मूवी। मूवी भी नॉर्थ साइड बेस्ड है और ये चीज़ें आपने आसपास देखी है, प्लस द सॉन्ग्स आर रियली गुड एंड पीपल आर लविंग इट एंड एवरीबॉडी लाइक लैम्बोर्गिनी मम्मी नु पसंद नहीं, दैट इज अ पंजाबी सॉन्ग रिप्राइज वर्जन, सो इट्स ऑल गुड। बट ये होपफुली यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो बहुत ही प्यार दिया है, उजड़ा चमन में भी प्यार दिया है, प्यार का पंचनामा में दिया है, सोनू के टीटू में दिया है, बस अब और सारा प्यार चाहिए, वो जल्दी से आके दे दो। ये मम्मी ये भी मम्मियों का ही था और किसी का नहीं था। बेसिकली मम्मियों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहानी है ना इसमें, बात ही मतलब वो ही हमें नहीं मिलने देते हैं फिल्म में, तो मतलब एंड माँ भगवान समान होती है, तो मतलब वो स्टोरी नहीं बताऊं, तो इट्स वेरी नेचुरल कि ऐसा क्वर्की सा, और आई थिंक बहुत क्वर्की टाइटल भी है और बहुत फिट भी होता है, और मम्मियों की हमेशा जय ही होती है। आई थिंक इट्स इन अ फनी वे रोमांटिक क्यूट फिल्म, और मम्मियों की वो जो पड़ोसियों की लड़ाई होती है, वो कूड़े की लड़ाई, ये वो सब देखने मिलेगा, और पहली बार हो रहा है तो वो उनके आसपास ज़्यादा वो भी रिवॉल्व है, और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, सुप्रिया मैम और पूनम जी, सो काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। बट बाकी काफ़ी चीज़ें हैं पिक्चर में जो आपको 17 जैन को देखने मिलेगी। मेरा तो कोई रिएक्शन नहीं था, मैं तो वैसे मतलब ये हो गया था कि सर ने हमेशा सरप्राइजेस ही दिए, एंड मतलब उन्होंने फ़ोन करके बुला लिया था, फिर उन्होंने बताया कि ये फिल्म है और मैंने सुनी, और यू नो लाइक नवजोत गुलाटी इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, इज़ अ ग्रेट गाय, और तो वो प्रोसेस अपने आप ही शुरू होते गए, पता ही नहीं लगा कब शूट पे आ गए। मेरा तो था ओह नो, फिर से सनी। नहीं, मेरा मन में था, मैंने दिखाया नहीं था। ये बीबा मुंडा है ना। नहीं, बट एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड थी, बिकॉज एक तो मेरी पहली सोलो फिल्म है, प्लस मुझे किसी फिल्म में लड़का ही नहीं मिलता यार, तो मैं तो मुझे पता पहले ही था कि लड़का मिल रहा है ना एंड में, ओके आई एम हैप्पी, हैप्पी एंडिंग, आई फाइनली गेट द बॉय जिससे मैं प्यार करती हूँ। बट डेफिनेटली वन ऑफ लाइक दी मोस्ट एक्साइटिंग स्क्रिप्ट पढ़ने के लेवल पे, बहुत रियल है यार, और आई थिंक आजकल के ज़माने में आपको पता है, मुझे भी पता है कि रियल सिनेमा इज़ रियली वर्किंग, यू नो समथिंग आप जिससे रिलेट कर सकते हो, सो वो सारे फैक्टर्स एकदम टिक 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 था, एंड हैड अ ब्लास्ट शूटिंग। 17 जैन इज़ द डेट, भूलना मत, सबको लेके आना, अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अपने घर वालों, सबको लेके आना एंड बहुत सारा प्यार देना। और एक्चुअली एक ऐसी फिल्म है जो मतलब देर इज़ अ लव स्टोरी, यूथ एंगल बहुत मेजर है, बट फैमिली एंगल भी इतना बड़ा है, बिकॉज आप लिटरली, अगर मैं इस फिल्म में नहीं भी होती, मैं अपनी मॉम के साथ मैं पसंद करती जाके देखना, एंड आई वुड हैव एंजॉयड इट इक्वली विद माय बॉयफ्रेंड और मम्मी के साथ, तो एक्चुअली दो दो बार जाके देखो, एक बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ, एक बार मम्मी के साथ, एक बार फैमिली के साथ, तो बस जय मम्मी दी देखते रहो। सात बार देख चुकी हूं। गाइस हैप्पी न्यू ईयर, सो यू नो आवर फिल्म इज कमिंग ऑन 17 जैन, जय मम्मी दी, सो डू वॉच इट एंड गिव अस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, एंड हैव अ सुपर सुपर हैप्पी एंड अ प्रॉस्पेरस 2020, एंड सेफ न्यू, सेफ सेफ।